रूस यूक्रेन जंग की। आपको बता दें कि इस युद्ध में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बड़ा यू टर्न ले लिया है। दावा यह किया जा रहा है कि ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से वो हथियार मांगे हैं जिन पर प्रतिबंध लगा हुआ है। ये वो हथियार है जिसके जंग के दौरान इस्तेमाल किए जाने पर संयुक्त राष्ट्र समेत दुनिया के 100 से भी ज्यादा देशों ने बैन लगाया था। यूक्रेन जंग में आया नया ट्विस्ट। जंग के दौरान ज़ेलेंस्की की नई डिमांड। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। अमेरिका से मांगे प्रतिबंधित हथियार। जंग में ज़ेलेंस्की का यू टर्न। पूर्वी यूरोप में सर्द होते जा रहे मौसम के बावजूद रूस और यूक्रेन के बीच जंग मुसलसल जारी है। जंग के 300 दिन पूरे होने वाले हैं और यूक्रेन जंग और तेज होती जा रही है। यूक्रेन में बर्बादी के बरसते बारूद के बीच एक ऐसा ट्विस्ट आया है जिसे देख सुनकर पूरी दुनिया हैरान है। दरअसल यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका के सामने एक अजीबोगरीब डिमांड रखती है। पश्चिमी मीडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से एक ऐसा हथियार मांगा है जंग के दौरान जिसके इस्तेमाल पर संयुक्त राष्ट्र समेत दुनिया के 100 से ज्यादा देशों ने बैन लगाया हुआ है। आखिर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से ये हथियार क्यों मांगा है वो भी आपको तफसील से समझाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको यूक्रेन जंग में बरसती तबाही की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। ये आग उगलती रूस की लॉन्ग रेंज मिसाइलों के हमले की तस्वीरें हैं और ये उस हमले के बाद की तस्वीरें हैं। आप इन तस्वीरों में तबाह हुई एक इमारत और उसके अंदर लगी आग को साफ देख सकते हैं। इस मिसाइल हमले के बाद रूस ने दावा किया कि उसने यूक्रेन के हथियार बनाने वाली एक फैक्ट्री को तबाह कर दिया। यूक्रेन का कहना है कि रूस के इस हमले में उनके एक कर्मचारी की मौत हो गई और 3 लोग जख्मी हो गए। По системе военного управления, объектам оборонного комплекса и связанным с ним объектам энергетики Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. В результате удара прекращен выпуск и ремонт украинского вооружения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. यूक्रेन पर बरसते बर्बादी के बारूद के बीच राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की उस डिमांड के बारे में आपको बताते हैं, आखिर वो है क्या? और ज़ेलेंस्की की डिमांड के बाद अमेरिकी सरकार और प्रशासन दुविधा में क्यों है? पश्चिमी मीडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से नए हथियारों की दरख्वास्त की है और इस लिस्ट में पहला नाम ही उस हथियार का है जिसके बाद अमेरिकी सरकार परेशान है। दरअसल राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से क्लस्टर एम्यूनिशन की डिमांड की है। ये वो डिमांड है जिसे अमेरिका पूरी नहीं कर पाएगा क्योंकि जंग के दौरान क्लस्टर एम्यूनिशन के इस्तेमाल पर संयुक्त राष्ट्र समेत दुनिया के 100 से ज्यादा देशों ने प्रतिबंध लगाया हुआ है।